दुर्गा शंकर मिश्रा ने बैठक बुलाई है। शपथ ग्रहण में खामियों की समीक्षा करेंगे सीएस। ट्रैफिक की बद इंतजामी की भी समीक्षा की जाएगी। डीजीपी सीपी लखनऊ, डीसीपी ट्रैफिक बुलाए गए हैं। परिवहन विभाग के अफसरों को भी बुलाया गया है। तो जो भी मिसमैनेजमेंट है ट्रैफिक का, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। परिवहन विभाग के अफसरों को भी बुलाया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने अहम बैठक बुलाई है। ट्रैफिक की जो भी मिसमैनेजमेंट है उसको डीजीपी सीपी लखनऊ इन सबको बुलाया गया है। साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी देखिए इस बैठक में बुलाया गया है। तो शपथ ग्रहण में खामियों को लेकर जो भी मिसमैनेजमेंट हुआ है उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप इस खबर पर जुड़े हैं। अनूप, ये बैठक कितनी अहम है और क्या जानकारी है इस बैठक के बारे में? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह था जिस दिन, और पावन मंत्री जो है शपथ लेने वाले थे। लिहाजा ये भव्य जो है शपथ ग्रहण समारोह जो आयोजित किया गया था, लेकिन ट्रैफिक की जो व्यवस्था है जिन अधिकारियों के जिम्मे थी, व्यवस्था जो थी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था वो जिन अधिकारियों के जिम्मे थी, वो कहीं ना कहीं उसमें बड़ी लापरवाही दिखाई दी। क्योंकि जब खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे तो भारी जो है ट्रैफिक के चलते, जाम के चलते उनको पैदल चलना पड़ा। इसके अलावा नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वो 15 मिनट ट्रैफिक के चलते जो है लेट कार्यक्रम में शामिल हो पाए। इसके अलावा उमा भारती तो कार्यक्रम में पहुंच ही नहीं पाई। हालांकि भले ही उन्होंने बाद में ट्वीट किया और सफाई दी हो, लेकिन अपनी नाराजगी भी पहले उन्होंने व्यक्त की थी। इसके अलावा आप समझिए कि बड़ी संख्या में और भी जो माननीय लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं जो है अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम दावे किए गए थे, लेकिन ट्रैफिक को अव्यवस्था के चलते जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था शपथ ग्रहण समारोह, उसमें कहीं ना कहीं अव्यवस्था की भेड़ जरूर दिखाई दी। खुद एटिया सोम एडीजीएलओ को भी जो है ट्रैफिक की मॉनिटरिंग के लिए सड़क पर उतरना पड़ा था। आप समझिए वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पैदल चल रहे थे। हाँ। नीतीश कुमार नाराजगी जता रहे थे, इसके अलावा उमा भारती नाराजगी जता रही थी। लिहाजा पूरे मामले पे जो है डीजीपी ने पहले पुलिस कमिश्नर से पूरी रिपोर्ट मांगी थी, और अब खुद मुख्य सचिव जो है पूरे मामले में बैठक कर रहे हैं जिसमें डीजीपी मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, परिवहन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, डीजीपी ट्रैफिक और इसके अलावा जो अन्य जिम्मेदार अधिकारी हैं सबको बुलाया गया है। जिम्मेदारी देखी जा रही है, वजह क्या रही, कहां से अव्यवस्था, कहां पे भी मिसमैनेजमेंट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनु। और रायबरेली में ज्वेलर्स की दुकान